हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की डेट में मार्केट जो है वो बियर मार्केट से बाहर आई है, नहीं आई है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, काफी लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं। काफी क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट जो है वो बॉटम आउट हुई कि नहीं हुई। अगर बॉटम आउट नहीं हुई तो दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर इन्वेस्टमेंट। अगर बॉटम आउट हो गई है सो दे आर सेइंग कि अब कितना प्राइस इंक्रीज होकर हमारे सामने आता। काफी क्वेश्चंस हैं, काफी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द मार्केट, क्या क्या चीजें हैं एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उनसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं। किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। आज की डेट में एवरीबडी इज लुकिंग इनटू द क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मिनट। वो ये देख रहे हैं कि मार्केट का क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, क्या नेक्स्ट मूव होगा मार्केट का, बिकॉज मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। अगर हम बात करें जुलाई की, जुलाई का मंथ जो क्लोज हुआ है वो हुआ है अप 20%। कहीं ना कहीं एक बुलिश साइन है फॉर द मार्केट। बट क्या इसका मतलब ये कि मार्केट जो है अब एकदम ऊपर चली जाएगी, या इसका मतलब ये कि मार्केट जो है वापस नीचे डिप भी कर सकती है? क्या चीजें हैं एक एक करके बात करते हैं। चलते हैं कॉइनजी को ऐप में, मार्केट का हाल देख लेते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि आगे जाके क्या क्या चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। तो साइड में आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया कॉइनजी को ऐप। करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो डाउन है 1.1% इन द लास्ट 24 आवर्स। BTC यहाँ पे डाउन है 1.7%, ETH डाउन है 0.2%, एंड उसी के साथ साथ जो एंटायर मार्केट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रही है, एंड यस कुछ क्रिप्टोज हैं जो पॉजिटिव चल रही है। बट ओवरऑल मार्केट का क्या सिनारियो हो सकता है गोइंग इन द फ्यूचर? अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई में पॉजिटिव निकला 20%, वेयर नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जो इंटरेस्ट रेट सामने आए हैं ऑफ फेडरल रिजर्व उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। GDP नंबर्स भी सामने आए थे उसके बाद भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन दी मार्केट, स्पेशली आफ्टर द इंटरेस्ट रेट, स्पेशली आफ्टर द GDP नंबर्स। एंड कहीं ना कहीं पीपल आर कन्फ्यूज कि हमने अब परचेज करना चाहिए क्रिप्टो की नहीं करना चाहिए, क्या मार्केट बॉटम डाउन हुई है कि नहीं हुई है? काफी क्वेश्चंस काफी लोगों के माइंड में, एंड क्या क्या चीजें हैं उसमें देखने की, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के सामने आता है कि इवन आफ्टर द इंटरेस्ट रेट एंड GDP नंबर जो आए हैं वो कहीं ना कहीं फेवर में नहीं आए, उसके बावजूद मार्केट ऊपर की तरफ क्यों बढ़ी है? वो बड़ी है बिकॉज ऑफ ETH मर्ज। आप लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़ सकते हो जहां पे बताया गया है कि ETH मर्ज की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। जो वो न्यूज है उसकी वजह से काफी सपोर्ट मिला मार्केट को, एंड मार्केट इज गोइंग अप। उसी के साथ साथ बाकी के क्रिप्टोज में भी काफी डेवलपमेंट्स हो रही है। अगर हम बात करें पॉलीगॉन मैटिक का ZKEVM सामने आया था, एंड उसी के साथ साथ काफी टायर्स भी कर रहा है पॉलीगॉन मैटिक का भी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गया है। उसी के साथ बात करें हम कार्डानो का वासिल 8 वो ऑल्दो डिले हुआ है, बट यस पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाती है। जो भी पॉजिटिव अजम्पशन होती है, जो भी पॉजिटिव स्पेकुलेशन होती है किसी भी आदमी की, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। जब कोई नेगेटिव न्यूज आती है ओवरऑल इन द क्रिप्टो मार्केट, वो मार्केट को एकदम नीचे ले जाती है, पुल डाउन कर देती है। ये चीजें हमें हमेशा से नोट करनी चाहिए। आज के डेट में जहां पे बहुत लोग पॉजिटिव हैं रिगार्डिंग क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, वहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हम लोगों ने देखने हैं इन दी फ्यूचर। कि वो टाइमली होते हैं कि नहीं होते उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उसमें डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। द सबसे पहला इवेंट जो सामने आ सकता है दैट इज दी 3rd टेस्टनेट ऑफ इथेरियम। ETH मर्ज का जो लास्ट टेस्टनेट है वो कहीं ना कहीं अभी तक पेंडिंग है, एंड वो होगा इन द 2nd week of August। एवरीबडी इज आइंग ऑन दैट, सब लोग उसमें नजर लगा के बैठे हैं कि वो 3rd टेस्टनेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो सक्सेसफुल होता है यस वी कैन सी अ राइज इन द प्राइस ऑफ इथेरियम, एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोज हैं, बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। बट अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता अगेन द मार्केट कैन कम डाउन। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि यस इकोनॉमी से फर्क पड़ता है मार्केट को, एंड वो हमने देखा जहां पे रिसेशन की बात हो रही थी, जहां पे नंबर्स डिक्लाइन हो रहे थे, वहीं पे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई इन दी 1st half of the year। बट 2nd half of the year जैसा कि हर साल होता है, कहीं ना कहीं विंटर्स की जहां पे बात करते हैं वहां पे क्रिप्टो जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट इस साल कुछ शायद अलग हो सकता है। अलग इसलिए हो सकता है बिकॉज मार्केट आज के डेट में डिपेंड करता है फ्यू ऑफ दी क्रिप्टोज, फ्यू ऑफ दी टोकन्स, एंड वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी डेवलपमेंट्स उनके सामने आती है। ETH से सबसे ज्यादा उम्मीद है मार्केट को ETH मर्ज की जहां पे बात करें, एंड दैट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ क्रिप्टो इन 2022। वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यस वी कैन इजीली सी द मार्केट गोइंग अप। द सेकंड इवेंट इज कार्डानो एडीए का जो वासिल हार्ट फोक है। लास्ट ईयर हमने देखा था जो लास्ट हार्ट फोक अपडेट आया था कार्डानो का, उससे कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ कार्डानो काफी इंक्रीज हुआ था, एंड उसने टच करा था अपना ऑल टाइम हाई।
जस वन स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स हॉस्किंसन उसने पूरी स्टोरी बिगाड़ दी थी, जहां पे चार्ल्स हॉस्किंसन ने बोला था यस डोंट एक्सपेक्ट द प्राइस टू जस्ट जंप अप, क्योंकि काफी लोग उस टाइम में काफी अजीबो गरीब से प्राइस प्रेडिक्शन ऑफ कार्डानो सामने लेकर आ रहे थे। कार्डानो का प्राइस अगेन इंक्रीज हो सकता है विद वासिल आर्टफो, क्योंकि वो सेकेंड बिगेस्ट अपडेट है इन कार्डानो, दैट इज व्हाट चार्ल्स हॉस्किंसन इज सेइंग। क्या होगा आगे, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली 2 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है, पहले वो जून में आना था, फिर उसको बला जुलाई में आएंगे, आप बोल रहे हैं फ्यू वीक्स और डिले हो गया है, तो कहीं ना कहीं अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वासिल आर्टफो। अगस्त का महीना कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाती है। उसी के साथ बात करें अगर हम पॉलीगॉन मैटिक की, पॉलीगॉन मैटिक ने फर्स्ट हाफ काफी अच्छा प्ले करा है, जहां पे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, काफी क्रिप्टो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो नाराज थे, जो खाली नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे थे। पॉलीगॉन मैटिक एक ऐसा क्रिप्टो जिसने काफी पॉजिटिव न्यूज दी मार्केट को, काफी डेवलपमेंट करी अपने आप में, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की क्या क्या चीजें वो करेंगे उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत प्लेन सिंपल चीजें रखी कि जो डेवलपमेंट्स हम करना चाह रहे थे इस साल में वो हो चुकी है, नाउ इज द टाइम जब हम इस ब्लॉकचेन में और एप्लीकेशन लेकर आए और डैप्स लेकर आए, एंड काफी कंपनीज से हम कोलैबोरेट करें। मर्सिडीज का कोलैबोरेशन हुआ, वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर करा था। तो ऐसे ही पॉलीगॉन मैटिक अगर सक्सेसफुल रहता है इन टैपिंग फ्यू ऑफ द कंपनीज, बिग कंपनीज, फ्यू ऑफ द डैप्स, एंड डैप्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर हमने देखा है फ्रॉम 7000 डैप्स टू 19000 डैप्स ऑलरेडी पॉलीगॉन मैटिक में आ चुके हैं। आगे जाके वो कितना इंक्रीज होते हैं, नंबर्स कितने इंक्रीज होते हैं, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है पॉलीगॉन मैटिक का। पॉलीगॉन मैटिक भी कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज लेके सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ काफी लोग पोलका डॉट की भी बात करें, पोलका डॉट इज अनदर क्रिप्टो जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पोलका डॉट की अगर हम बात करें तो जनवरी 21 में काफी अच्छा इसमें इंक्रीज देखने को मिला था, एंड पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट आउट ऑफ पोलका डॉट। पोलका डॉट यस एक अच्छा क्रिप्टो है, देयर इज नो डिनाइंग, आज की डेट में वो टॉप 10 में आ चुका है, इट हैज ओवरटेकन डॉज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ इन द लास्ट 24 आवर्स, 5.8% आप है। अपने ऑल टाइम हाई से पोलका डॉट जो है वो डाउन चल रहा है 83.1%, विच इज अ बिग नंबर। पोलका डॉट जो है वो इजिली ये कवर कर सकता है। पोलका डॉट में जो चीजें चल रही हैं वो बहुत अमेजिंग है, आई एम श्योर आप सब लोग इसके बारे में पढ़ रहे हो कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं इन पोलका डॉट, पोलका डॉट आगे जाके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हम लोगों को दे सकता है। जो भी इन्वेस्टर है इन पोलका डॉट, आई वुड से कि आप लोग अपडेटेड रहना, क्या क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है इन पोलका डॉट। पोलका डॉट एक ऐसा क्रिप्टो, एक ऐसा टोकन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट यस ये वो जेम भी हो सकता है विच वी आर लुकिंग इन 2022। होता है नहीं होता, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट आज के डेट में लोग आर मॉनिटरिंग पोलका डॉट एज वेल। तो अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें, जो रिमेनिंग ऑफ द ईयर इन 22 वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में ये सारी चीजें सामने आ सकती हैं, सारी चीजें अगर सामने टाइमली आ जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वी कैन ईजिली से कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, एंड यस काफी लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, काफी लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे ऑन देयर होल्डिंग ऑफ द क्रिप्टो जो उन्होंने होल्ड करके रखे हैं बहुत टाइम से, जहां पे मार्केट जो है नीचे की तरफ चल रही थी। बियर मार्केट में होल्ड करना क्रिप्टोज इज नॉट ईजी, काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने अपने क्रिप्टो सेल आउट कर दिए एंड लॉस बुक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के डेट में वो देख रहे हैं कि मार्केट का बॉटम डाउन हो गया एंड कब हम वापस एंटर करेंगे, बट दोज पीपल हु आर होल्डिंग ऑन टू देयर क्रिप्टो, दोज पीपल हु आर डूइंग डॉलर कॉस्ट एवरेज, उनको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आगे जाके मिल सकते हैं। With that said, guys, आप लोग बताओ आपकी क्या राय है रिगार्डिंग दी मार्केट। डू यू बिलीव कि रेस्ट ऑफ द ईयर में मार्केट जो है ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, क्या होगा मार्केट का, वट एवर योर थॉट्स आर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। With that said, guys, आज का वीडियो करते हैं पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।